विदाउट यू पिन भी सेट हो गए। दिस इज द मैजिक ऑफ पिन प्रोफेशनल। अगर यही मैं टास्क वगैरह से करती तो मुझे कंपलसरी इसके ऊपर यू पिन डालनी पड़ती। और मैंने स्प्रे सिर्फ इतने सेक्शन को किया है, अभी ये सेक्शन मेरा अभी भी स्प्रे का बाकी है। क्यों बाकी रखा? क्योंकि अभी ये जो लेयर है मुझे इसको डाउनवर्ड स्प्रेड करना है, और ये डाउनवर्ड स्प्रेड नहीं होगा विदाउट फॉग को प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ। एक एक बाल अलग होने चाहिए। कहाँ तक लेना है आपको, खींचना कहाँ पे है, ये इनका सेकेंड आई ब्रो। जिस साइड में मुझे वेरिएशन चाहिए उसी की साइड आप इसको इस तरह से खींचो, बट खींचोगे ना तो देखो गैपिंग हो जाएगी। तो ये गैपिंग को निकालने के लिए और प्रॉपरली स्प्रेड करने के लिए आप ये फॉग फोम का यूज करो, जितना चाहिए उतना पकड़ पकड़ के उसको खींचो। सी गैपिंग निकल गई और स्प्रेड भी हो गया इवनली। सो दिस इज द मैजिक फॉग फोम। तो इसका ये काम है, जब आपका स्प्रेडिंग नहीं हो रहा है, कहीं पे मैसी हो गया है, उसको फिनिशिंग से वापस से सेट करना है। स्प्रेडिंग के लिए भी मैंने यूज़ किया यही चीज़। हम पुलिंग के वक्त भी देखेंगे कि पुलिंग के वक्त भी ये किस तरह से काम आता है। आज ये किया, इसको मैं पहले इसको स्प्रेड। अब ये जनरली क्लाइंट को फेस पे आता है ना तो इरिटेट होता है, वेरिएशन नहीं चाहिए होता है, कान के पीछे करो चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सेक्शन को उठाएंगे यहाँ से पूरा सेक्शन मैंने ऊपर लिया और नीचे से स्प्रे किया एंड जस्ट ट्विस्ट द कॉर्नर से ऊपर भी हो गया और उनके फेस पे टच भी नहीं करेगा वो पार्ट। सो डाउन से आप स्प्रेड स्प्रे करो और जो कॉर्नर पार्ट है उसको सिर्फ ट्विस्ट करो। इस पे आप, मैंने सिंपल रखा है, इसके आप इस पे पुलिंग भी देख सकते हो, बट ये सिंपल लुक में आज वर्क कर रहे हैं। प्रॉपर पफ बनाना है आज, प्रॉपर दोनों साइड का मिडल सेक्शन वन साइड विद द एस फॉर्म, इसी के साथ हमने मर्ज किया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं फिनिशिंग से पहले लॉक कर देती हूँ। आज सारी की सारी मुझे टेक्निक में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर स्प्रे प्रॉपर पिनिंग। पिनिंग में आपकी देखूंगी, पिनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आज पिनिंग क्लियर करेंगे, स्प्रे टेक्निक क्लियर करेंगे, पफ विथ फिनिशिंग। एक भी बेबी हेयर बाहर नहीं आना चाहिए यहां से। मेरी पिनिंग एक भी इधर उधर नहीं है, जो राउंड मेंटेन है वही राउंड में मैंने पिनिंग भी मेंटेन रखी, आगे का सेक्शन भी उसी तरह मैं कर रही हूँ पिनिंग। तो मेरे को आगे चल के मैंने बन बनाया तो ये पिन भी मेरी कवर हो जाएगी, या मेरे को एसेसरी डालनी है तो सिर्फ इतना पार्ट में डालना है अगर ओपन रख रही हूँ तो। ठीक है, सेम ये साइड का सेक्शन, ये साइड के सेक्शन को आपको भी मर्ज बहुत अच्छे से इवनली आपके पफ के साथ में इसी तरह से करना है। सी नहीं तो क्या होता है, ऐसे ले लेते हैं या फिर ट्विस्ट करके ऐसे डाल देते हैं, समथिंग वी कैन करते हैं, जनरली करते हैं। जब हमने सीखा था हम भी ऐसे ही, एक साइड अच्छा हुआ ना दूसरी साइड का कैसे भी ले लो, या अभी मैंने यहाँ पे फ्लैट किया है तो जनरली लोग क्या करते हैं, मुझे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करने जाती हूँ, क्यों देना है? आपने एक साइड अच्छा वेरिएशन फ्लैट दिया तो एक साइड आप उठा क्यों रहे हो, नहीं चलता है। तो ये याद रखो कि आपने वन साइड फ्लैट में डाला है, अदर साइड भी उसको मेंटेन करो, अननेसेसरी उसको हाइट दे के फेस का स्ट्रक्चर चेंज मत करो। तो ये फ्लैट है, ये भी हाँ, यहाँ पे आपने ट्विस्टिंग किया है, आपको लग रहा है यहाँ पे भी मुझे मेंटेन रखना है, ये आउट किया तो इसको भी आउट करो, ये दोनों साइड में बैलेंस करना जरूरी है। ओके, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे पफ का डायरेक्शन छोटा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, हाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको भी दो सेक्शन में स्ट्रेट सेक्शन में डिवाइड करके सिर्फ हल्की वैक्यूमिंग, ज्यादा वैक्यूमिंग नहीं करी, सिर्फ इतना वैक्यूमिंग किया, सिर्फ 2 to 3 लेयर, 2 से 3 स्ट्रोक में वैक्यूमिंग किया। हार्ट स्प्रे भी कौन से एंगल में किया, 180 पे आगे की तरफ मैंने किया इसमें भी, और इसको भी सेट कर दूंगी सिर्फ। अगर डायरेक्ट डाला था तो वो पहले कैसे बैठ गया था ना, वन साइड यहाँ पे गैपिंग दिख रही थी, अब दिख रही है, अब मैं इसको बैक कॉमिंग की वजह से मैं इसको उठाऊंगी ना तो उठ जाएगी।
यहाँ बैक कॉमिंग नहीं रहेगी, उठाओगे तो नहीं उठेगा। उसके लिए उठाने के लिए भी आपको अंदर बैक कॉमिंग जरूरी है। पफ भी बैठा हुआ रहता तो हम उठाते तो उठते क्यों उठते हैं, क्योंकि अंदर बैक कॉमिंग है, इसीलिए उठाओ, नहीं तो फ्लैट में वो उठेगा बट शेप उसका बिगड़ जाएगा। और एक चीज, अब मुझे यहाँ पे उठाना था तो मैं यहाँ से कोम डाल के यहाँ तक नहीं उठाऊंगा, क्या होता है, यहाँ का एंगल अलग, यहाँ का एंगल अलग, यहाँ का एंगल अलग, सब हेड शेप चेंज होता है। यहाँ पे उठाना है, कोम इतने में डालो, आपका कोम सिर्फ इतना वन फिंगर का भी अंदर जाना चाहिए उठाने, पूरा कोम अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है यहाँ से डाल के तो क्या हुआ, उठाना यहाँ था, उठ भी यहाँ भी गया, तो ये क्यों करना है, तो खराब हो जाती है फिनिशिंग। ठीक है, और आगे की तरफ कोई बैक कॉमिंग नहीं करूंगी, सीधा सीधा इसको शाइन स्प्रे एंड इसी के साथ इसको ले लिया। देखो यहां से मुझे सिर्फ इसको मर्ज करना है, मैंने इतने ही सेक्शन को इसको ये हुआ, लग रहा है कि ये अलग है वो अलग है, प्रॉपरली उसके साथ में ये पफ सेक्शन के साथ में आगे का वेरिएशन भी मर्ज हुआ। इसको अगर किसी को कान एरिया पे चाहिए तो नीचे नीचे थोड़ा स्प्रेड करो, नहीं चाहिए तो इसको ऊपर ले लो, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं अच्छा लगता है, कोई बोलता है कान पे से नीचे से जाओ, कोई बोलता है ये कान पे नहीं आना चाहिए पीछे डाल दो, क्लाइंट हजार तरह के मिलते हैं। यहाँ पे भी सेम वे, होल्ड लाइक दिस एंड वन एंड डन, सी फुल वन साइड से सिंपल वन भी पीछे से पूरा एक इवन लग रहा है, आगे का वेरिएशन आया तो भी। अब बैक साइड, अभी आपको लगे आगे भी बेबी हेयर है थोड़े, आप ऊपर से इसको स्प्रे कर सकते हो, यहाँ पे जो टुकड़े टुकड़े बाल हैं वहां पे आप स्प्रे करो, इसको आप सेट कर, जरूरत है तो, अगर आपने प्रॉपरली शाइन स्प्रे वगैरह किया है तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ऊपर की साइड में। क्लियर, इतना सेक्शन क्लियर है। अभी बैक कॉमिंग से बन बनाना सीखते और विदाउट बैक कॉमिंग बन बनाना सीखते, विदाउट बैक कॉमिंग बन राउंड ओवल पे बिग साइज हेयर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बड़ा है, ज्यादा वॉल्यूम है तो हम बिग साइज का ओवल शेप का स्टफिंग लेंगे, जो बैक कॉमिंग करने नहीं देते या हमारे पास टाइम नहीं होता है कई बार या ना भी बोलते हैं क्लाइंट, तो हम क्या करेंगे इसको डाउनवर्ड पहले साइन स्प्रे ऊपर से तो पहले अंदर लॉक करो नीचे से ऊपर, एकदम टाइट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको पहले यहां पे लॉक कर देंगे, कान के बाहर नहीं आना चाहिए, तो मिरर में देखने का ये बाहर आउट ना है, क्या नहीं तो जनरली हम इतना दूर करते हैं तो यहाँ से दिख क्या है, सी अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे ही लॉक कर दिया तो दिख रहा है ना इसके कान आगे, आपको इसको प्रॉपरली दबाना है अकॉर्डिंग टू हर ईयर शेप, इतना ही लेना है तो आउट ना दिखे आगे से। यहाँ पे बिग साइज 9 नंबर की यूपिन स्टफिंग के साथ आउट, रबर बैंड की पोजीशन या आपकी ये जो बॉबी पिन है उसकी अंदर डालो,
टाइट होगा जब आपकी यूपिन वॉमिटिंग में जाएगी तो. फर्स्ट सीन ऊपर नीचे दोनों साइड, द डायरेक्शन टुवर्ड्स योर रबर बैंड. बड़ी साइज ही चाहिए. अब छोटी 7 नंबर तो यहीं पे होल्ड हो जाएगी, अंदर तक नहीं जाएगी तो वो पकड़ेगा कैसे. अब आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे को लूज लग रहा है, टाइट फीलिंग नहीं हो रही है, या क्लाइंट बोल रहे कि एकदम परफेक्ट चाहिए मैं डांस करने वाली हूँ, तो क्या करेंगे, बॉबी पिन लेंगे. यही यू पिन पे बॉबी पिन को होल्ड करेंगे. किस तरह से करना है, ये मैंने यू पिन है मेरी यहाँ पे पकड़ के, इसी को ये हो गया टाइट. यू पिन के साथ में बॉबी पिन भी डाला. दो बॉबी पिन से बेटर है एक बड़ा यू पिन और एक बॉबी पिन. सेम यहां से भी अप एंड आउट. अब ये जो छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं ना, तब आपको छोटी साइज की नेट काम आती है, सिर्फ बालों को हाइड करना. यहाँ पे हुआ अब फुल हेयर, हाथ अंदर तक जाना चाहिए और अंदर से पूरा, सिर्फ इसको खींचोगे सी यहाँ पे गैपिंग दिखेगी, यहाँ पे हेयर ज्यादा वॉल्यूम यहाँ है ना हमारे, फुल हेयर अंदर तक पूरा इवनली स्प्रेड करो और यहाँ से इसको पकड़ के रखो. देखो यहाँ पे इन आउट, यहां से भी सेम इन आउट. अब जरूरी नहीं है कि सबके वन लेंथ हो और सेट हो जाए, इस पे हार्ड स्प्रे करके सेट करेंगे. और दूसरी चीज, इसके ऊपर आप नेट है छोटी, ये साइज तो मुझे जो चाहिए वो ही है, इस पे डाल के इसके कोई भी हेयर बाहर नहीं आएंगे. ये जब आप स्टफिंग की हेल्प से करते हो कोई बन रेडी, तब आपका ये छोटा साइज का नेट आपको काम आएगा. इसको लॉक करना है प्रॉपर नहीं तो भी होगा. ये कंपलसरी से लाऊंगा ना, हेयर केस बाहर रहता है छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े, तो नसल एक तरह गलत नहीं ऐसा पण ठेवू शकतो. याच्या वरती व्हेरिएशन ला करायचं असेल तरी गलत नाही. अगर किसी को बहुत क्लाइंट होते हैं जिनको नेट नहीं दिखना चाहिए, तो एक सेक्शन को रख दो, ये नीचे डाला उसके ऊपर ओवरलैप कर दो सेक्शन, तो भी चलेगा. आपका परफेक्ट निकलना नहीं चाहिए, टुकड़े बालों के तो क्या कर सकते हो, अगर नेट भी नहीं चाहिए, बाल भी कटिंग वाले हैं जो आउट हो रहे हैं, तो ऑप्शन ये है, एक लेयर को आप रख दो बाहर, सिर्फ बाकी के लेयर को आप बाल में डालो, उस पर नेट डाल के उसके ऊपर ओवरलैप कर दो और उस पर अच्छे से हार्ड स्प्रे करो, ज्यादा बाल बाहर नहीं जाएंगे. शेप इतना ही दिखाने का जितना वो उसके फेस पे बाहर नहीं आना चाहिए, पर प्रॉपरली उसको फेस को प्रेस कर लो यहाँ से, जितना अगर लग रहा है बहुत आउट है आउट है उतना यहाँ से प्रेस कर लो. प्रेस कर करके इसको भी हमने राउंड में शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे से दबा तो इसका डांस करेगी या कुछ भी करेगी तो निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा भी ऐसे ऐसे मूवमेंट जस्ट मूव योर हेड, नहीं तो थोड़ा भी करेगी वैसे ही बन खुल जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए. उनको पूछना है, दो बार पूछो, इज इट टाइट, टाइट है, टाइट है. आगे चल के वो डांस करके निकालेगी, निकल गया तो अपने पे नहीं आना चाहिए कि ये लूज था, इसीलिए हमने पूछा था टाइट है, उन्होंने बोला टाइट है, हम वहाँ पे छुड़ो. तो ये प्रॉपरली उनका सेट करने का. अब यही टेक्निक विदाउट स्टफिंग, कई बार हमारे पास स्टफिंग नहीं है तो अभी इसके बालों में तो ऑलरेडी ग्रोथ था. अगर मेरे को क्लाइंट ना बोल रही है बैक कॉमिंग, तो ऑप्शन है मेरे पास स्टफिंग. अगर मेरे पास स्टफिंग में भूल गई,
या 10 क्लाइंट है, 11वीं क्लाइंट आ गई, मेरे पास स्टफिंग खत्म हो गया। बाल है, मैं व्हाइट कमिंग से बना सकती हूँ, मुझे आता भी है, तो वो हमें आना चाहिए। और बन भी जाता है फटाफट, सिर्फ एक नेट की जरूरत है और यूपीएस की जरूरत है। मजा आ रहा है, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। कोई इसके अलावा भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप पूछ सकते हो कि इसके अलावा ये प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो क्या करना है। आप जनरली तो मुझे नहीं आते डाउट्स, पर करते हैं क्लाइंट पे तो डाउट्स रहते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम होता है, मैं करती हूँ तो मेरी बैक कॉमिंग यहाँ से आउट हो जाती है या मेरा सेक्शनिंग यहाँ पे बैठता नहीं, तो यू कैन आज पूछ सकते हो। अभी बन बनाने के लिए दो टाइप की होती है, एक बैक कॉमिंग जिसके बालों में वॉल्यूम है, सिर्फ बन के लिए बैक कॉमिंग करते हैं, दूसरी बैक कॉमिंग जिनके बाल कम है बट हमें बन अच्छा खासा वॉल्यूम वाला बनाना है। दो अलग अलग टाइप की बैक कॉमिंग हो जाएगी, जिसके बालों में वॉल्यूम नहीं है, इसका तो दिख रहा है वॉल्यूम अच्छा है, ज्यादा बैक कॉमिंग करूंगी तो क्या होगा, इतना बड़ा बन बन जाएगा। तो बैक कॉमिंग अलग होती है, जिनके अभी मेरे जितने बालों का आप सीधा सीधा करोगे तो इतना सा बन बनेगा, जो मुझे बन चाहिए इतना था बट बन इतना आ गया, क्यों, क्योंकि मुझे बैक कॉमिंग मैंने रॉन्ग करके उसको वॉल्यूम नहीं दिया। तो जब कम बाल आते हैं उनको वॉल्यूम वाला बन बनाना है, आपको छोटा छोटा सेक्शन लेना है एंड होल्ड यहाँ पे करना है और इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करना है पूरे बालों में, इस तरह से लेके सी। अब मैंने इनके बालों में किया तो इतना बड़ा बन जाएगा, तो वो कम बाल जिसके वॉल्यूम नहीं है उनके आप ऊपर ये खुल भी इजीली जाएगा, ऐसे करोगे खुल भी गया। ऐसा नहीं है कि ये वैक्यूमिंग करेंगे तो खुलेगा नहीं, खुल जाता है, बस इसको इस तरह से पूरे बालों में आपको वैक्यूमिंग करके हार्ड स्प्रे करना है, फिर आपको नेट से, जिसे दोनों का नेट पोजीशन सेम है, बस उसका वैक्यूमिंग। अब इनके बालों में किस तरह से वैक्यूमिंग करनी है, बड़े बड़े सेक्शन लेने हैं क्योंकि मुझे ज्यादा वॉल्यूम नहीं क्रिएट करना है, बट वैक्यूमिंग नहीं करूंगी तो बन नहीं हैंडल होगा, छूट जाएंगे। तो आपको नीचे से सी, नीचे से ऊपर, ये होती है जब आपके पास क्लाइंट के हेयर में वॉल्यूम ज्यादा है और बैक कॉमिंग करनी है, एक एक सेक्शन है इस तरह से अप एंड डाउन बैक कॉमिंग हार्ड स्प्रे अगेन। हाँ, इसके ऊपर आपको फिनिशिंग लेयर चाहिए तो एक लेयर को आप लीव कर, इसमें हम देखते हैं ऊपर का फिनिशिंग लेयर भी किस तरह से डालना है वो भी एक जॉब। ये एक लेयर मैंने उसके ऊपर यहां से हम लेयर पे quickly 3-4 सेक्शन एंड बैक कॉमिंग। इसमें इंपॉर्टेंट है रूट, रूट आप प्रॉपर करो नहीं तो रूट छूट जाएगा, बैठेगा नहीं बन में।
से इतने में इनका वॉल्यूम कितना हो गया, हो गया ना बहुत ज्यादा। अगर वो वाला बैक को मैं करती तो बिग साइज नेट एक बॉबी पिन यहां से इसके साथ में लग रहे यहाँ से फुल हेयर को अलग, एक यहाँ से और यहाँ से सारे हेयर आए अंदर। अभी यहाँ पे वॉल्यूम कम रहता है, इसको पहले फोल्ड करेंगे, देन जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा स्प्रेड रखो, जितना अंदर चाहिए उसको दबा। ये नीचे का सेक्शन और मेरे नीचे का ऊपर लेके जितना बड़ा छोटा यहाँ से प्रेस कर दो अंदर इसको। अभी यहाँ पे कहाँ गए बॉबी पिन में स्ट्रेट, यहाँ से भी पकड़ के जैसे जैसे डाल रही हूँ ना वैसे वैसे उसको मैं अंदर प्रेस कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए वो, और शेप मेंटेन कर रही हूँ। आपका बन परफेक्टली नेक एरिया तक आना चाहिए, ना नेक एरिया के ऊपर ना नेक एरिया के नीचे, एग्जैक्टली नेक एरिया कंप्लीट हो वहां तक आपका बन बनना चाहिए। सिर्फ एक दो बॉबी पिन साइड से प्लेस करेंगे यहां से नीचे। हो गया बन और इसी के ऊपर इसको यहां से अब इसको डायरेक्टली स्प्रेड करूंगी, गैपिंग हो जाएगी, बाउंस नहीं होगा। प्रॉपरली स्प्रेड करने के लिए हम इसको रूट से बैक कॉमिंग करेंगे। ये बैक कॉमिंग कैसे हो गई, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, और यहाँ पे स्प्रे ऊपर के एंगल में आपको शाइन स्प्रे। अब उसको स्प्रेड करो इवन में,
जहाँ से मोल्ड करना है वहाँ तक स्प्रे करके पकड़ के रखो, तो गैपिंग नहीं आएगी, बीच बीच में गैप आती जाएगी। इसको वापस से ट्विस्ट करेंगे,
परफेक्टली नेक एरिया तक उनका। अगर किसी की गर्दन नेक एरिया बड़ा है तो आप थोड़ा सा डाउन ले सकते हो, बट नेक एरिया छोटा है थोड़ा और ऊपर ले, बल को और ज़्यादा नीचे मत करो। प्रॉपरली नेक एरिया देख के उसका बन डायरेक्शन डिसाइड, बन बनाते हो मेक श्योर क्लाइंट का फेस डाउन है तो आपको प्रॉपर जजमेंट मिलेगी कहाँ तक रखना है। अगर ऊपर ही देख के बैठेंगे आपको जजमेंट ही नहीं आएगा, आपका बन ऊपर बन जाएगा और फिर जब वो ऊपर देखेंगे तब ऊपर ऊपर दिखेगा बन। आज का फुल प्रैक्टिस आपका पर्व बनाना है, सेक्शनिंग करनी है, फ्रंट वेरिएशन, फ्लैट, साइड वेरिएशन, प्रॉपरली बैक कमिंग और पहले विदाउट बैक कमिंग।